जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य का जैसा कर्म होता है उसी के आधार पर अगला जन्म कैसे मिलता है। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो जैसा कर्म वैसा जन्म की प्रणाली किस प्रकार होती है। दोस्तों आप सब तो यह जानते ही हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ होते हैं और इन्हीं कर्मों के द्वारा हमारा अगला जन्म भी निर्धारित होता है। दोस्तों अगर कर्म और भाग्य से संबंधित आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण से प्राप्त किया जा सकता है। आज का यह वीडियो भी गरुड़ पुराण से ही लिया गया है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि किस प्रकार के कर्म करने से हमें अलग अलग पशु योनि में मृत्यु के पश्चात जन्म लेना पड़ता है। इसी तथ्य को समझने के लिए हमें 11 बिंदुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए यह समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से कर्म करने से कौन से योनि में मृत्यु के पश्चात जन्म लेना पड़ता है। पहला है मित्र से छल कपट करने पर। दोस्तों हम सभी जानते हैं इस संपूर्ण जगत में मित्र का स्थान सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन यदि कोई अपने मित्र से ही छल कपट करने लगे तो उसका फल क्या प्राप्त होगा, इस बात को गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने मित्र से ही छल कपट करने लगता है तो वह मृत्यु के बाद नरक लोक में जाता है एवं उसके बाद भी उसे पहाड़ों में रहने वाले गिद्ध के रूप में अगला जन्म प्राप्त होता है और वह गिद्ध अपना जीवन यापन करने के लिए मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस भक्षण करता है। दूसरा है धर्म का अपमान करने पर। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने धर्म का सम्मान तो करते ही हैं साथ में दूसरे धर्मों के प्रति भी सम्मान पूर्वक पेश आते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं करते और साथ ही साथ अपने धर्म को भी हे दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह के लोग ही पुराणों में लिखी बातों को गलत दृष्टि से देखते हैं और मूर्खतापूर्ण तर्क देकर अपनी बातों को सत्य सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है इन्हें मरने के पश्चात नरक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इन्हें अगला जन्म कुत्ते के रूप में प्राप्त होगा और कुत्ते के रूप में जन्म पाकर ये अपने स्वभाव के कारण गली गली भौंकते फिरेंगे। लेकिन फिर भी न तो कोई इनकी बातों को सुनेगा और ना ही कोई प्रतिक्रिया देगा और अंत में जब इन्हें अपने किए हुए भूल का ज्ञान होगा तब इन्हें कुत्ते की योनि से मुक्ति मिलेगी। तीसरा है अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों इस सांसारिक जगत में बिना किसी परिजनों के सहयोग के बिना जीना संभव नहीं है, जिसमें माता पिता और गुरुजनों की भूमिका सबसे अधिक होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए गुरु ही मददगार होते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने माता पिता या गुरु का अनादर करते हैं वह मृत्यु के उपरांत तो जन्म लेते हैं लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह गर्भ से बाहर नहीं आ पाते और उनकी मृत्यु पुनः गर्भ में ही हो जाती है। चौथा है ज्ञान को न बांटने वाला। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। सनातन धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि यजमान दक्षिणा देने में सामर्थ्यवान ना हो तब भी ब्राह्मण देव उसे ज्ञान देकर उसका कल्याण करते हैं, ऐसा विधान है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी ख्याति
इस जन्म में खराब तो होती ही है, साथ में मृत्यु के बाद उन्हें बैल के रूप में जन्म लेना पड़ता है ताकि वह आजीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप कर सकें। पांचवा है चालाकी करने वाला। दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों के द्वारा दूसरों का दिल जीत लेते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी चालाकी से साधारण और सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं, और ऐसे लोग आजीवन सीधे लोगों को मूर्ख बनाकर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। परंतु ऐसे लोगों को ज्ञात नहीं होता कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है। इस संसार को चलाने वाला कहीं ना कहीं रहकर इनके कर्मों को देखता रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस संसार चलाने वाले के घर में देर हो सकता है पर अंधेर नहीं। ऐसे लोगों के बारे में गरुण पुराण में वर्णन मिलता है कि ये लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और उल्लू बनकर सारी उम्र अपनी चालाकी पर पछताते रहते हैं। छठवां है दूसरों का अपमान करने वाला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी पुत्रों का यह धर्म होता है कि अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। ठीक इसी प्रकार एक बहू का भी कर्तव्य होता है, परंतु जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, उनकी बातों को नहीं मानती, उनके लिए अपशब्द कहती है और हमेशा ही लड़ाई झगड़ा करती रहती है, तो ऐसी नारी को अगला जन्म जू के रूप में मिलता है, जो लोगों का खून पीकर अपना जीवन बिताती है। सातवां है अनाज की चोरी करने वाले। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि सनातन धर्म में अन्न दान सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है उसको धरती लोक के साथ साथ स्वर्ग लोक में भी सम्मान प्राप्त होता है। यही कारण है कि लोग प्रीति भोज एवं भंडारे जैसे आयोजन करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अन्न की चोरी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए गरुण पुराण में उल्लेख मिलता है कि इनका अगला जन्म चूहे या छछूंदर के रूप में होता है, जो जीवन भर अनाज के दाने दाने के लिए तरसते रहते हैं। आठवां है गाली देने वाला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के कंठ में माता सरस्वती का वास होता है, इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे के हृदय को चोट पहुँचे। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपशब्द बोले बिना चैन नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए गरुण पुराण में कहा गया है कि इनका जन्म बकरे के रूप में होता है। नौवां है कामुक दृष्टि रखने वाले। दोस्तों, इस संसार में अनेकों ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इनके मन में स्त्रियों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती। परंतु इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सभी स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए गरुण पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात इन्हें गधे की योनि प्राप्त होती है और गधे का रूप पाकर यह चाहते हुए भी किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डाल पाते। दसवां है व्यभिचार करने वाली स्त्री। दोस्तों, आपको यह मालूम होगा कि इस संसार में अधिकतर स्त्रियां पतिव्रता होती हैं और ऐसी स्त्रियां किसी पराये पुरुष का मन में विचार तक नहीं करती। परंतु संसार की सभी स्त्रियों का स्वभाव एक सा नहीं होता। कुछ स्त्रियां स्वभाव से ही व्यभिचारिणी होती हैं, जिन्हें अपने कृत्यों के कारण कई बार अपमानित भी होना पड़ता है, लेकिन इन्हें तब भी कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें समझ में तो तब आता है जब अगले जन्म में यह पुनः पृथ्वी लोक पर चमगादड़ या छिपकली की योनि में जन्म लेती हैं। ग्यारहवां है जहर का सेवन करके मरने वाले। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं
कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिनाइयों के बाद प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो सांसारिक बातों से घबराकर जहर का सेवन करते हैं और मानव रूपी अमूल्य शरीर को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि इन्हें अगले जन्म में सर्प की योनि में जन्म लेकर अपनी भूल सुधारनी पड़ती है। दोस्तों, आपने 11 बिंदुओं के आधार पर सुना कि यह वो योनियां हैं जो मनुष्य को उनके कर्मों के आधार पर प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।